मेरा नाम प्रशांत किशोर है और हम नेता नहीं हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम किसी का कोई काम भी नहीं करते। आपकी बहुत समस्याएं हैं, जहां हम जा रहे हैं, हम पिछले 9 महीना से गांव-गांव पैदल चल रहे हैं, आप हमारा दशा देख रहे हैं। हम सुबह से चलना शुरू करते हैं और रात में 8-9 बजे तक जहां तक पहुंचेंगे वहां जाकर रुकेंगे। 9 महीना से हम पैदल चल रहे हैं, हम आपका काम कर नहीं रहे हैं, अपने लिए वोट मांग नहीं रहे हैं, तो पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि आपको जाकर ये बताएं कि जिस गरीबी और पिछड़ापन में आप जी रहे हैं, इससे बाहर आप कैसे निकल सकते हैं। आपको लगता है कि किसी नेता को चुनकर आप अपना गरीबी दूर कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो पिछले 50 साल में अभी तक आपका गरीबी खत्म हो गया होता। आप तो सबको चुन कर देख लिए, आपने बहुत बरस तक कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस लालू जी को वोट दिया, पिछले 15-17 साल से आपने नीतीश कुमार और मोदी जी को भी वोट देके देख लिया, लेकिन आपका जीवन नहीं बदल रहा है। ये क्यों नहीं सुधर रहा है इसको समझिए। अगर कल होके प्रशांत किशोर को भी वोट दे दीजिएगा तो भी नहीं जीवन सुधरेगा। जीवन आपका तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो, जब आपके लोगों को यहाँ रोजगार मिले, जब आपके पास खेती करने लायक जमीन हो। जब तक ये 3 चीज नहीं होगा, जब तक अपने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा, आपके लड़कों के लिए रोजगार नहीं होगा और आपके पास जमीन नहीं होगा खेती के लिए, तब तक कोई नेता आ जाए, किसी दल का सरकार बन जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। आप आज से गरीब थोड़े ना हुए हैं, आप तो 50 बरस पहले भी ऐसे ही थे। जब आप बच्चा थे तब भी इतने कष्ट में थे, जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया, कितना आदमी का जिंदगी खत्म हो गया। हर बार नेता आता है यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम अबकी हाली ठीक कर देंगे, आप फिर बुर्बक बन के वोट देते हैं और फिर वही का वही दशा। इसलिए हम आपसे वोट नहीं मांगने आए, आपको ये समझाने आए हैं कि आप वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, जिस दल को देना है, जिस नेता को देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। आप वोट देते हैं देश के नाम पर, आप वोट देते हैं जात के नाम पर, आप वोट देते हैं भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर, लेकिन अपने बच्चों के लिए आप वोट नहीं देते। तो अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल कोई नेता आपके बच्चों का चिंता क्यों करेगा। अब आपको लग रहा है कि नहीं, बात तो ठीक नहीं है, हम तो अपने बच्चों के लिए ही वोट हम लोग देते हैं। हम अभी आपसे सवाल एक पूछेंगे, सबको जवाब देना है, आपको 2 मिनट में पता चलेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। हम अभी सवाल पूछेंगे, आपको बताना है हाँ चाहे ना, हाथ उठा के। यहाँ जितने लोग आए हैं आप सोच के बताइए कि आपके गरीब से गरीब, अमीर गरीब जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबको हाथ उठा के जवाब देना है। कथा सुनने जा, रामचरित मानस नहीं सुना रहे हैं, आपको जो सवाल पूछ रहे हैं सोच के उसका जवाब दीजिए। सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए सरकार को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबको आपको इतना समझ में आ रहा है, जो पढ़ा लिखा है उसको भी, जो अनपढ़ है उसको भी, कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो आपका जीवन सुधर सकता है। तो जरा अब अपने अपने बच्चों के नाम पर अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आपने अपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? जो दिया है तो हाथ उठाइए। तो जब आप बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दे नहीं रहे तो बच्चों का पढ़ाई मिलेगा कैसे? आप फैक्ट्री के लिए वोट अभी बता रहे हैं किसको देंगे, कहेगा व्याकुल हुए जा रहे हो, हम यहीं खड़े हैं आपको बता रहे हैं। आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जब वोट नहीं कीजिएगा तो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो खुलेगा कैसे? आपको अभी एक सज्जन यहाँ बगल में खड़े हैं, कह रहे हैं किसको दिया जाए। मेरे भाई, आप
आपको लग रहा है कि आप सही वोट दे रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहा है, ये गलत बात है। आप जिस चीज के लिए वोट दे रहे हैं वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। अभी बिहार में सब लोगों ने, हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके सबको 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने घर घर बिजली आया है, इसके लिए नीतीश कुमार को वोट दिया है। तो बिहार में कानून व्यवस्था खराब है, रोजी रोजगार नहीं है, लेकिन घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में स्कूल फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1400, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया है नेताओं को जात के नाम पर, तो आपके शरीर पर कपड़ा हो चाहे नहीं हो, आपने आपके जात का नेता राजा बनकर हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपका लड़का का चेहरा मुरझाया हो चाहे ठीक हो, रोज चमकता हुआ चेहरा मोदी जी का टीवी पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री लग रहा है, और आपके घर के बच्चे, आपके घर का सामान गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौना बतवा पर वोट दिए हैं जो कि आपका काम नहीं हो रहा? आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया है, अभी आपने खुद माना है कि आपने पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आप खुद मान रहे हैं कि आप यहाँ रोजी रोजगार के लिए वोट नहीं देते हैं, तो होगा कैसे? भाई साहब ने सवाल पूछा कि किसको वोट दें, आप किसको वोट दें ये इसका कोई महत्व नहीं है, वोट किस बात के लिए दे रहे हैं इसका महत्व है। वोट चाहे नीतीश को दीजिए कि मोदी को दीजिए, वोट चाहे लालू को दीजिए, चाहे रामविलास पासवान जी की पार्टी को दीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। आपको अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देना। हम 9 महीना के लिए चल रहे हैं पैदल, 100 गो लड़का हमारे सामने दौड़ता है, चलता है हमारे साथ, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों के किसी के पैर में यहाँ गांव में देख लीजिएगा हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, आपको तो नेताजी का चिंता है। नेताजी का लड़का जीतना चाहिए, हमारे जात का नेता जीतना चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हिंदू मुसलमान करना है, तो सुधरेगा कैसे? यही बताने आए हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे चंदा किसी से लेते नहीं हैं, और नजर घुमाकर देख लीजिए अपना एक फोटो भी नहीं लगाते हैं, अपना चाय खिचड़ी तेल तंबू लेकर खुद चल रहे हैं, गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। अगर जीवन में आपको तरक्की चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। अपने बच्चों के लिए आप वोट नहीं दीजिएगा। जाति धर्म भारत पाकिस्तान में पड़े रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों का भी जिंदगी उसी गरीबी बदहाली में बीतेगा। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, अपने 9 बच्चों में एक बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है तब ना हम खड़ा होके बोल रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा, इतना बात बुझाना ना चाहिए? 5 किलो अनाज आपको जीवन भर भी कोई देता रहेगा उससे गरीबी दूर हो सकता है? हर महीना खाइएगा, अगले महीना फिर मांगना पड़ेगा। आपका गरीबी तब दूर होगा जब आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए। आपका गरीबी तब दूर होगा जब आपके घर के सवान को यहाँ रोजगार मिल जाए। आपका गरीबी तब दूर होगा जब सरकार आपको यहाँ जमीन दे। तो वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, और वोट सिर्फ 3 ही चीज पर दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, और अपने लिए जमीन के लिए। ये 3 चीज जब होगा तभी जीवन सुधरेगा। वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, सिलेंडर नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। वही ताकत है जिससे आप गरीबी से निकल सकते हैं। हम गांव में जा रहे हैं,
कि मुखिया जी बहुत चोरी कर रहे हैं। जैया मुखिया का चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेके वोट दिए, आ मुर्गा भात खाकर मुखिया जी को वोट दिए, पाउच पी के वोट दिए। आज जब मुखिया आके इंदिरा आवास में पैसा ले रहा है 20,000, तो बाप बाप कर रहे हैं। तो आपने अपना ईमान बेचा 500 में, तो आपका मुखिया है तो वो बेच रहा है 20,000 में, काहे के लिए फिर रो रहे हैं? चोरी की शुरुआत आप कर रहे हैं। अगर 5 किलो अनाज पर आप अपना वोट बेचिएगा तो मोदी जी को क्या जरूरत है आपको रोजगार देने का? उनको मालूम है कि 5 किलो अनाज देंगे इसे वोट दे देगा। तो अपने वोट का कीमत बढ़ाइए, आपके वोट का कीमत अपने बच्चों का पढ़ाई बनाइए, अपने वोट का कीमत बच्चों का रोजगार बनाइए। यहाँ जितना घर से आप लोग आए हैं, घर घर से जवान लड़का जाकर बाहर मजदूरी कर रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां से जवान लोग जाकर मजदूरी नहीं कर रहे। 20 साल 25 साल का आपका लड़का हो गया, आपके घर का सामान पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में बस में जानवर के तरह भर के यहां से जा रहा है। जहां जाता है काम करने, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, 12-12 घंटा अपना हाल गला रहा है 10,000-15,000 रुपया के लिए। वहां अगर बीमार पड़ जाए तो आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते हैं। साल में एक बार कोई छठ में आता है तो 10 दिन आपको मुंह देखने को मिलता है। और आपसे पूछ रहे हैं वोट काहे के लिए दिए थे, तो आप कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज को दे दिए। तो अगर आपने 5 किलो अनाज पर अपना वोट बेच दिया तो आपका सवान जीवन भर मजदूरी नहीं करेगा तो क्या बनेगा? आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे, यही बताने चले हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए, और न समझ में आए तो जिस जाति जिस धर्म जिस दल जिस नेता का झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए। गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को आजाद वोट देकर नहीं कराया। गांधी जी आपसे वोट लेने आए थे, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी से भ्रष्टाचार से बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं अपने और अपने बच्चों के लिए, तो सबको कंधा लगाना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा, सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि 5 किलो अनाज पर वोट नहीं बेचेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं देंगे, जाति के नाम पर वोट नहीं देंगे। वोट देते समय नेता आकर कहता है वोट दीजिए देश के नाम पर, नेता आके कहता है वोट दीजिए समाज जाति के नाम पर। हम आपको कह रहे हैं कि वोट देते समय आप स्वार्थी बनिए, वोट देते समय आप अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी सुधरेगा, नहीं तो सुधर नहीं सकता। बात समझ में आए तो बहुत अच्छा, न समझ में आ रहा तो जीवन चलिए रहा है। एक नारा लगाकर खत्म करेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा काहे लगवा रहे हैं? ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार से बाहर जब आप जाते हैं, आपके घर का सामान कोई लड़का पढ़ने जाता है मजदूरी करने जाता है तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब बेवकूफ, जिसको मन हुआ वही 2 गो गाली दे दिया, 2 थप्पड़ मार दिया। बिहार के लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। ये सारे लोग बिहार के, हम लोग सब बुर्बक आदमी नहीं है, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। एक बार आप जब जाइएगा अपने बच्चों की चिंता कीजिएगा तो ये ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में इतना अच्छा व्यवस्था बनाया था कि पूरा दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए बिहार नालंदा में आते थे, और आज इसी बिहार का दशा देख लीजिए जो आपने हमने बनाया है, जाति और धर्म के नाम पर वोट दे के यहाँ आपके बच्चों के 5वा क्लास भी पढ़ाई करने का उपाय नहीं है। तो जगिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए, यही कहने के लिए आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो उससे भी अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।